आज आपसे बात कर रही हूँ कि कैसे होते हैं तुला राशि वाले, लिब्रा जोडियाक साइन के लोगों का व्यक्तित्व कैसा होता है, उनका करियर, उनका जीवन में जो ये स्ट्रगल्स रहते हैं, उनकी मैरिज और उनकी ग्रोथ के कुछ उपाय। जुड़े रहिए। हाय एवरीवन, दिस इज जया करमचंदानी। वेलकम टू इनविंसिबल पैशन टॉक शो, जहां हर हफ्ते आपके साथ जुड़े हुए अंकों और ग्रहों की बात करती हूं। एंड आई रिलीज हियर एवरी वेंसडे एंड संडे इन इंग्लिश एंड हिंदी न्यू एपिसोड्स। इससे पहले शेयर करूं, जल्दी से जुड़ जाएं हमारे इस इनविंसिबल परिवार के साथ एंड हिट दैट सब्सक्राइब बटन। इस सीरीज में जिसमें अब तक मैंने आपसे अलग अलग राशियों की बात करी है, अगर आप देखना चाहते हैं पिछले एपिसोड जिसमें मैंने एरीज से लेकर के कैंसर, लियो, सारे जोडियाक साइंस की हमने बात करी हुई है, इवन हमने वर्गों की भी बात करी, तो उसका लिंक इधर नीचे डिस्क्रिप्शन में शेयर कर रही हूँ। अब राशियों को आपको जानना क्यों है, राशियों का व्यक्तित्व से क्या रिलेशनशिप, क्या रिश्ता होता है। अब हर व्यक्ति का खान पान, पसंद, ओढ़ना डिफरेंट है, हर व्यक्ति की टेस्ट अलग है। व्हाट दे लाइक, व्हाट दे वेयर, हाउ दे अप्रोच थिंग्स, चीज़ों को किस नज़रिए से देखते हैं, उनकी सोच कैसी है, इन सब पे प्रभाव पड़ता है उनके परिवार का, उनके वातावरण का। पर क्या कभी आपने सोचा कि जिस दिन जन्म हुआ, जिस समय जन्म हुआ, उन राशियों का प्रभाव पड़ता है। तो तुला राशि वाले, अगर भारतीय मत से कहूँ तो ये वो लोग हैं जो 17 अक्टूबर से 13 नवंबर के बीच में जन्मे हैं, और अगर पाश्चात्य मत से कहूँ तो 24 सितंबर से लेकर 23 अक्टूबर के बीच में जिनका जन्म हुआ। और तो और, अगर आप अपनी कुंडली उठाएं और आप देखें कि आपका चंद्रमा जिस राशि में है वो है तुला राशि यानी लिब्रा, तो भी इस एपिसोड की कुछ बातें आपके साथ रिलेट होंगी। व्यक्तित्व कैसा होता है इन व्यक्तियों का। अब क्योंकि दिस जोडियाक साइन इज रूल्ड बाय वीनस, शुक्र प्रधानता है इस राशि पे, तो व्यक्ति कैसा होगा, उसे बहुत ही शौक होगा, बहुत ही सोफिस्टिकेटेड टेस्ट, कोई सस्ती चीज़ और एवं कोई चीज़ पसंद नहीं आएगी, चीज़ें जो पॉलिश लुक हो, महंगी चीज़ें हैं या ब्रांडेड चीज़ें हैं या दिखने में अच्छी होनी चाहिए, पहनने में और स्वाद, इन सब चीज़ों में एक अलग स्टाइल होगा। तो अगर ये कहना कि लाइफ की कंफर्ट्स और लग्जरी इन्हें पसंद हैं और ये वैसा ही रहना चाहते हैं तो अतिशयोक्ति नहीं होगी, ओवरऑल दिल फेक भी हो सकते हैं। खाने पीने घूमने फिरने का शौक होता है, पर इनके लिए इनका व्यक्तित्व, इनका मान सम्मान बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। ये तो मैंने अच्छी बात करी। अब वो कौन सी बातें जहाँ इन्हें मेहनत करने की ज़रूरत है, तो वो ये है कि ये निर्णय लेने में बहुत समय लगाते हैं और निर्णय लेने के बाद बड़ी जल्दी बदल भी जाते हैं, तो इनडिसाइसिवनेस बहुत होती है, बात बात में बदल जाते हैं। और इन्हें क्योंकि अकेलापन पसंद नहीं है, दीज फोक्स आर सोशल बटरफ्लाई, बहुत सारे लोगों के साथ में घिरा फिरा होना पसंद है, चाहे फिर दोस्त हो, पार्टी हो, किसी भी सूरत में। तो ये जो इनडिसाइसिवनेस है ये इनके जीवन में स्ट्रगल भी देती है, सक्सेस भी देर से आती है। इस चीज़ को कैसे दूर करें, जुड़े रहिए बोनस टिप में, वो भी आपके साथ शेयर करी। तो ओवरऑल तुला राशि वालों का व्यक्तित्व कैसा हो ये तो हमने बात करी, लेकिन इनको किस करियर में कामयाबी मिलती है, किन क्षेत्रों में इन्हें जाना चाहिए, किन क्षेत्रों से इन्हें कामयाबी मिलती है, तो ये मान लें वो सारे क्षेत्र जिसमें क्रिएटिविटी इन्वॉल्व है, यानी फैशन इंडस्ट्री, ज्वेलरी डिज़ाइनिंग, मूवी इंडस्ट्री, हॉलीवुड, बॉलीवुड, सिंगिंग, डांसिंग, ज्वेलरी, ब्यूटी इंडस्ट्री, इन सब में जा सकते हैं। तो फिर वो चाहे मॉडलिंग हो, एक्टिंग हो, और तो और लीगल फील्ड्स में भी जा सकते हैं। पर क्योंकि ये पारखीपन होता है इनमें, चीज़ों को बहुत ही एनालिसिस करके फिर फैसला लेते हैं, तभी देर भी लगाते हैं, लीगल फील्ड्स में भी कामयाब होते हैं। और ये वो लोग हैं जिन्हें आपने अगर कोई काम सौंपा कि इसको बेहतर कैसे करना है, बहुत अच्छी राय दे देंगे। अब करेंगे ये मैंने नहीं कहा, सो स्ट्रेटेजिक फील्ड में भी ये जा सकते हैं। तो इनमें इनकी पसंद बहुत अनूठी होती है, चाहे फिर वो कपड़ों से जुड़ी हो, खाने से हो, ट्रैवल इंडस्ट्री से हो, ब्यूटी में हो। तो अगर अपनी ये स्किल को ये यूज़ करते हैं अपने जॉब और प्रोफेशन में, उससे इनको ग्रोथ मिल सकती है। तो ये तो बात करी हमने कि जन्मतिथि के अनुसार
लिब्रा राशि यानी तुला राशि वाले लोग कौन हैं और उनका व्यक्तित्व कुछ अच्छी बातें और वो क्षेत्र कुछ बातें जहां उन्हें मेहनत करनी है। करियर की बात कर ली, अब चलिए बात कर लेते हैं शादी की। जैसा मैंने आपसे कहा, रोमांटिक होते हैं, लव मैरिजेस भी करते हैं, और अगर अरेंज मैरिजेस भी हुई तो स्पाउस के साथ इनके रिलेशनशिप अच्छे रहते हैं। एंड अ वर्ड ऑफ कॉशन, आप में से बहुत सारे लोग फिर अगर ये कमेंट्स करेंगे ऐसा नहीं है, तो मैं आपको एक चीज़ बताऊं, ये मैं अपने अनुभव से शेयर कर रही हूँ, 100% सच होंगी बातें, एब्सोल्युटली नॉट। बहुत सारी बातें आपके साथ अलाइन होंगी, 100% यस, और वो आप कमेंट्स में बताएं कि अगर ये आपकी राशि है तो आपको इनमें से कौन सी बातें लगी अच्छी। अब मैरिज के मामले में ये डिवोटेड होते हैं अपने स्पाउस के प्रति। नाउ अ वर्ड ऑफ कॉशन, ये वो लोग हैं अगर रिलेशनशिप में हैं तो ये मांगते हैं कि इन्हें समझा जाए, इन्हें अपने स्पाउस में सुंदरता के साथ इंटेलिजेंस भी चाहिए। इन्हें ये बात अच्छी नहीं लगती कि आप दिखने में अच्छे हो लेकिन दिमाग बिल्कुल ज़ीरो है। मुंह से तब ऐसी बातें बोलेंगे कि सामने वाले को हर्ट करेगा, क्योंकि अन्यथा ये ऐसी बातें नहीं बोलते हैं कि लोगों को इंसल्ट करें या गलत तरीके से व्यवहार करें। दे हैव अ वेरी पॉलिश वे ऑफ स्पीकिंग। हाँ, जहाँ भाई बहनों और पेरेंट्स की बात है तो उनके साथ कुछ खास रिलेशनशिप नहीं होते, खास तौर पर फादर के साथ कुछ न कुछ अलगाव बना रहता है। अब फाइनेंस की बात करें, मनी के मामले में मेनी ऑफ देम मे बी बॉर्न इन अ वेरी कम्फर्टेबल फैमिलीज, ऐसे परिवारों में जहाँ धन की कोई खास प्रॉब्लम नहीं हो। नहीं तो शादी के बाद बहुत सारे केसेस में मैंने देखा है उनके लाइफ की फाइनेंशियल स्ट्रगल्स में वो दूर हो जाती है और उनकी फाइनेंशियल ग्रोथ भी हो जाती है। करियर में अगर इन क्रिएटिव फील्ड्स के साथ जुड़ते हैं तो कुछ मैजिक ही होता है। शायद कहते हैं ना, मछली के बच्चे को जन्म से ही तैरना आता है। अगर उससे कोई पूछे कि भाई तूने तैरना कहाँ सीखा, तो मछली तो हंस पड़ेगी। वैसे ही दे हैव अ क्रिएटिव सेंस, चाहे घर ठीक रखना हो चाहे पर्सनल स्टाइलिंग। तो अगर ये क्रिएटिव फील्ड्स में होते हैं और उसे कहीं प्रोफेशन भी बना लिया तो सोने पे सुहागा, नहीं तो अगर हॉबी के तौर पर भी सिंगिंग, डांसिंग, स्पीकिंग, क्रिएटिव फील्ड्स, राइटिंग, पब्लिशिंग से जुड़े रहते हैं तो मन इनका बहुत खुश रहता है। अब बात कर लेते हैं सेहत की। वैसे तो इनकी सेहत में कोई ख़ास प्रॉब्लम नहीं आती, जो प्रॉब्लम आती है वो होती है कि इनकी दे बिल्ट इज़ बिट वीक, यानी आम तौर पर जो व्यक्ति गिर भी पड़ेगा तो उसका खून नहीं निकलेगा। और ये वो लोग हैं कि कागज़ का कोना भी लग गया तो हाथ पे तो उंगली से खून निकलने लगेगा, जा रहे थे यूं ही पता नहीं हाथ कहीं लग गया और हाथ में चोट लग गई, देखा नहीं कहीं सिर लग गया तो सिर पे बहुत बड़ा सा बम्प आ गया। तो थोड़ा सा इन्हें अपनी इम्यूनिटी और स्ट्रेंथ बढ़ाने पे ध्यान देना चाहिए। उसके लिए योगा, कार्डियो, आप जो भी करें, तो वेट लिफ्टिंग हो या जो भी हो, अपने बॉडी की स्ट्रेंथ एंड इम्यूनिटी को बिल्ड करिए। रंगों की बात कर लेते हैं, लाइट कलर्स। अब लाइट कलर्स कौन से हुए, लाइट ब्लू, लाइट ग्रीन यूज़ कर सकते हैं, फ्लोरल प्रिंट्स वगैरह यूज़ कर सकते हैं। कलर के मामले में यस, ये थोड़े आज आप लोग सरप्राइज होने वाले हैं कि नंबर्स, कलर्स तो बताएं, नंबर्स के मामले में जो सरप्राइज फैक्ट है वो ये है कि नंबर्स की सीरीज है जैसे 4, 5, 7, 8, ये इनके लिए लकी रहते हैं। अब आपको थोड़ी हैरानी होगी कि मैं नंबर 8 को इनके लिए लकी बता रही हूँ। जी हाँ, 8 के लिए भी ये नंबर बहुत काफ़ी सपोर्टिव रहता है, और हो सकता है इनके स्पाउस में भी ये नंबर आए हों। तो कहते हैं ना, रब ने बनाई जोड़ी, एक दूसरे को अच्छे से समझते हैं। अब ये सीरीज आप कैसे यूज़ करें, अब ये नंबर्स कैसे लकी हुए, हो सकता है वो किसी की डेट ऑफ बर्थ में आ जाए, शाम के 4 बजे, 5 बजे, 7 बजे, 8 बजे, या 4 तारीख 5, 7 या 8 हो जाए। अब वो सिंगल 5 भी हो सकता है, 23 को जोड़ने से भी 5 आएगा, 14 को जोड़ने से भी 5 आएगा। तो इन रंगों का, इन नंबर्स का आप बहुत क्रिएटिवली अलग अलग तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये ओवरऑल हमने आज बात करी इनका व्यक्तित्व कैसा है। अभी बोनस टिप इज़ ऑन इट्स वे, इनका व्यक्तित्व कैसा है, इनकी सेहत, इनके रिश्ते, इनका करियर, इनका धन। धन इनकी मेहनत से भी ये बनाते हैं, लेकिन आम तौर पर मैंने देखा है कि ये वो नहीं है जिन्हें ज़ीरो से शुरू करनी पड़ती है। कुछ चीज़ें, एक बेस रहता है जो देन दे ग्रो ऑन इट। कहते हैं ना कि अगर ढांचा मजबूत है उसके ऊपर बिल्डिंग बना ली तो ये बहुत अच्छे से खूबसूरती से काम कर लेते हैं। ओवरऑल ये वो अंक हैं जिनको कहूँगी कि लाइफ में अगर स्ट्रगल हैं और अगर आप लिब्रा वाले हैं, अगर स्पाउस से सपोर्ट नहीं मिल रही है, स्ट्रगल चल रहा है, फैमिली से, इन लॉज से, अपनी फैमिली से भी सपोर्ट नहीं और आपको लगता है सारी जिम्मेदारी आप पे है, तो एक तो चीज़ कि आप
richness, surround yourself around richness. आप अपने आसपास, क्योंकि आपका जो शुक्र का फैक्टर है उसको एक्टिवेट कीजिए. तो अपने आसपास क्या रखें, चाहे दो जोड़े कपड़े हैं पर वो बहुत अच्छे वाले लीजिए. अपने आप को साफ़ सुथरा रखिए. अपने आसपास के जो एरिया है, इन्वायरमेंट है जहाँ आप रहते उठते हैं, कीप इट क्लीन, अपीलिंग एंड इन्वाइटिंग. सोचिए कि हाउ टू मेक इट लुक लग्जूरियस, हाउ टू मेक इट लुक एलिगेंस एंड ब्रांडेड एंड नाइस. और वैसे ही आपका खाना भी, चाहे वो एक सब्जी आप बनाएं, आप नेचुरली एक्टिवेट कर रहे हैं वीनस को. और ही साथ क्या करें, फ्राइडे के दिन ज़रूर भी सिल्क के ये आपके लकी कलर्स में से कुछ ना कुछ पहने. अब प्लीज़, अब आप ये ना कहें कि मेरे चैनल पे सुना था, आपने पैरों से लेके सिर तक वही रंग पहना है. गेट क्रिएटिव. रुमाल रख सकते हैं नहीं तो इन रंगों को. और जब यूज़ करें, एक्सपेंसिव परफ्यूम यूज़ करें और अपनी ही कमाई के पैसों से खरीदी हुई, किसी और की दी हुई यूज़ ना करें. अब आपकी लाइफ में जो स्ट्रगल रहता है वो है कि आप गोल ओरिएंटेड नहीं. आपको पता है लक्ष्य क्या है पर वहाँ जाने के लिए जो मेहनत लगती है, डिसीजन नहीं ले पाते और आए दिन वो निर्णय बदलते रहते हैं, तो इस वजह से आपके कामों में डिले होती है. तो आप कोशिश करें कि रोज़ाना 10 मिनट सूर्य में ज़रूर बैठें, बाहर जब सूरज निकला हो. अब ये नहीं कहूँगी कि सूर्य को देखें, सन बर्नट मत करिए अपने स्किन को. मेरे कहने का मतलब ये, रोज़ाना फ्रेश सनलाइट लें, क्योंकि आपका सूर्य प्रबल होगा तो आपको लाइफ में लग्जरी और ग्रोथ दोनों में इजाफा हो जाएगा. अब अपने लक्ष्य के साथ जो इनडिसाइसिवनेस, क्योंकि आप फोकस नहीं कर पाते, आपको पता है क्या करना है पर कर नहीं पाते, तो ये है एक स्विच वर्ड जिसे आपको लगे कि फोकस नहीं है, कॉन्फिडेंस की कमी है, आपके कामों में बहुत अड़चने आती हैं, आपको पता है क्या करना है फिर भी नहीं कर पाते, या तो काम होते होते नहीं होता. ओह माय गॉड, दैट वाज माउथफुल. ऑलराइट, सो अगर आपको लगता है कि काम होते होते रुक जाता है, तो ये स्विच वर्ड है रश, RUSH. ये जब लगे कि आपको कॉन्फिडेंस नहीं, तो रोज़ाना 45 टाइम्स कभी भी बोल सकते हैं. ये आपको लाइफ में फोकस देगा, कॉन्फिडेंस देगा, चीज़ों को करने के लिए जो डिसीशन मेकिंग एबिलिटीज़ होती हैं उसमें भी प्रिसिशन देगा. सो ओवरऑल सन फ्री है, 10 मिनट रोज़ाना बैठ जाएँ, टेक फ्रेश सनलाइट और चैंट दिस स्विच वर्ड रश. तो आज हमने बात करी लिब्रा यानी तुला राशि वाले कैसे होते हैं, उनका व्यक्तित्व. मेरे कुछ सुझाव ज़रूर बताएं कि आप दुनिया के किस कोने से ये एपिसोड देख रहे हैं और आपकी राशि क्या है. आज के एपिसोड में आपको कौन सी बात बताना है पसंद आई. बट बिफोर यू गो, डोंट फॉरगेट टू हिट द सब्सक्राइब बटन ताकि ये एपिसोड्स आप तक पहुँचते रहें. मिलती हूँ आपसे, टेक केयर.